कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। यह कहावत राहुल गांधी के लिए है और कांग्रेस के लिए है, ऐसे समय में जब पूरा देश एक है। राहुल गांधी फिर से चीनी प्रेम को जाहिर कर रहे हैं, और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस भी। अब तो उन्होंने हद ही कर दी। साथ ही पीएम मोदी का काफी कड़ा संदेश चीन को छिपा है इस संदेश में आने वाला बड़ी कार्रवाई। वहीं भारत की क्या है तैयारियां? साथ ही साथ आखिर चीनी मीडिया क्यों चुप्पी साधे हुए है? चीन को किस चीज से लग रहा है डर? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल से पूरा देश लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के पीएलए के साथ हुई लड़ाई में शहीद होने का शोक मना रहा है। चीन को भी काफी नुकसान हुआ है और 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है। साल 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एलएसी पर भारत ने किसी जवान की जान गंवाई है। ऐसे मौके पर पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में भी देश और सेना को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है। हालांकि कांग्रेस में चीन के प्रति सहानुभूति स्वतंत्रता के समय से ही देखा जा सकता है। जब भी भारत और चीन के बीच संघर्ष देखने को मिलता है, कांग्रेस पार्टी को चीन का साथ देते या सुरक्षा मामलों पर भारत विरोधी बयान जारी करते देखा जा सकता है। इस बार भी कांग्रेस और उसके नेता अपने प्रोपेगेंडे को जारी रखते हुए भारत विरोधी ट्वीट करते रहे और पीएम मोदी को निशाना बनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का व्यवहार दिखाता है, क्योंकि जनता ने उसे नकार दिया है और अगर ऐसी ही आदत रही तो आगे भी ऐसा ही होगा। वे फिर से जनता का विश्वास कभी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ऐसे ट्वीट किए और यही नहीं, वीकेस्ट पीएम मोदी हैशटैग के साथ ट्रेंड भी चलाया गया और 20 सैनिकों की जान का राजनीतिकरण करने से भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने भी इसी तरह का ट्वीट किया और भारतीय सेना की शहादत की आड़ में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, पीएम मोदी चुप क्यों है, छिपे क्यों है, बहुत हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा पर हुआ क्या, चीन ने हमारे सैनिकों को कैसे मार दिया, कैसे उसने हमारी जमीन लेने का दुस्साहस किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, हमारे बहादुर सेना के जवान शहीद हो गए हैं और हमारे राष्ट्र ने इस नुकसान पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन हमारी सरकार किसी भी तरह के सवालों के जवाब से इनकार करती है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि आखिर इतने देर से बयान क्यों आ रहे हैं और वह भी कुछ देर बाद बदला जा रहा है। आपको बता दें, भारतीय सेना ने सबसे पहले बयान जारी करके बताया था कि भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर थोड़े देर बाद यह आया कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है। एक और ट्वीट में कांग्रेस ने हद पार करते हुए ट्वीट किया कि पीएम मोदी आप क्यों छिपे हुए हैं, आप देश को सच क्यों नहीं बता देते। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और पी चिदम्बरम भी इसे राजनीतिकरण करने की कोशिश करी। कांग्रेस के इस तरह के बयानों से यह साफ समझा जा सकता है कि कैसे एक बार फिर से देश की सबसे पुरानी पार्टी देश के हित को ऊपर रखने में नाकाम रही। हालांकि कांग्रेस से इससे अधिक की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस इसी तरह का भारत विरोधी रवैया पहले भी अपना चुकी है। 3 साल पहले जब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, तब राहुल गांधी ने चीनी राजदूतों के साथ गुप्त रूप से मीटिंग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी बनाम कांग्रेस समझती है, शायद इसीलिए इस तरह के घटिया बयान दे देती है। भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया था। सलमान खुर्शीद से लेकर मणिशंकर अय्यर तक ने सवाल खड़ा करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी थी। यहाँ तक कि कई नेताओं ने, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, यह भी नकार दिया था कि भारत ने ऐसा कोई परीक्षण भी किया है। और ये कोई नई बात नहीं है, चीन के लिए कांग्रेस के मन में शुरू से सहानुभूति रही है। तभी तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। एक तरफ चीन भारत के लद्दाख पर चढ़ाई करने के लिए रोड बना रहा था, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सीट पर चीन के दावे का समर्थन किया था और उसके बदले में भारत को 1962 का युद्ध मिला था,
जिसमें अक्साई चीन पर चीन ने अतिक्रमण कर लिया। साल 2013 में पीएलए भारतीय क्षेत्र में 18 से 19 किलोमीटर तक घुस आई थी, लेकिन केंद्र ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन श्याम सरन की जब रिपोर्ट आई तो खुलासा किया गया, इसी न स्वीकारने के कारण भारत ने लगभग 640 वर्ग किलोमीटर अपनी जमीन खो दी थी। कांग्रेस का शुरू से ही इस तरह के भारत विरोधी हरकतों का रिकॉर्ड रहा है। यही कारण है कि लगातार 2 बार लोकसभा के आम चुनाव में भी जनता ने 60 से अधिक सीटें नहीं दी, परंतु फिर भी कांग्रेस ने कुछ सीख नहीं लिया। इस बार फिर से चीन प्रेम उजागर किया, जिसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी की चीन को खुल्लम खुल्ला चेतावनी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को काफी कड़ा संदेश दिया है। मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई उकसाएगा तो वह भ्रम में न रहे। भारत के पास हर हाल में यथोचित जवाब देने की ताकत है। बुधवार को कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बात की। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के जवान मारते मारते शहीद हुए हैं, देश को उनके शौर्य पर गर्व है। उन्होंने साफ किया कि भारत की संप्रभुता अखंडता से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसाने पर उचित जवाब देना भी जानता है। मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है। स्थिति कुछ भी हो, देश आपके साथ है। मोदी ने आगे कहा कि भारत अपने स्वाभिमान और हरेक इंच जमीन की रक्षा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण देश है, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हमने विश्व में शांति फैलाई है, पड़ोसियों के साथ दोस्ताना तरीके से काम किया है, मतभेद हुए भी हैं तो कोशिश की है विवाद न हो। हम कभी किसी को उकसाते नहीं है, लेकिन अपने देश की अखंडता के साथ समझौता भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी को भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर उचित जवाब देने में सक्षम है। तो जिस चीज का इंतजार था वही हो रहा है। रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया है, और अकेला रूस ही नहीं है बल्कि दुनिया के और भी कई देश हैं जो इस वक्त चीन को बड़ा झटका दे रहे हैं। इस वक्त चीन की स्थिति यह हो गई है कि चीन के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। चीन ने जो रणनीति बनाई थी वह रणनीति उसकी फेल होती दिख रही है। चीन ने सोचा था कि कई देश उसके साथ आएंगे, लेकिन इस स्थिति में ऐसा हो गया है। जिन देशों पर चीन ने काफी भरोसा किया था कि विवाद की स्थिति में वह चीन के साथ आएंगे, वो देश उसके साथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि साफ साफ शब्दों में मना भी कर रहे हैं। और जानिए इस मौके पर किन किन दोस्तों ने, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो सदाबहार दोस्तों ने चीन को किया मना और चीन को लगाई झिड़की। तो चीन के सदाबहार दोस्त तुर्की, रूस, ये दो ऐसे बड़े देश हैं जिस पर चीन ने बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रखी थी। और उम्मीद लगाने का कारण यह था कि ये दोनों देश अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन मामला यहाँ अमेरिका का नहीं है। चीन ने सोचा था कि चूंकि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में अमेरिका के दुश्मन देश चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्की, रूस, जो कि अमेरिका का जानी दुश्मन माना जाता है, उन देशों ने इस मामले में पड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वैसे इस वक्त 16 आने यह बात सच्ची है कि रूस इस वक्त चीन के ज्यादा करीब है भारत के बजाय। अगर चीन और अमेरिका में युद्ध होता तो तब तो 200% रूस चला जाता चीन के साथ में। लेकिन इस वक्त बात है भारत की, और भारत के मामले में रूस सीधे सीधे कभी भी भारत से नहीं लगना चाहेगा। इसके कई वजह हैं। एक तो भारत और रूस की दोस्ती जो काफी पुरानी है, दशकों पुरानी है, और यह रिश्ता ऐसा है कि जल्दी टूटेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में रूस में इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं, और रूस की अर्थव्यवस्था इस वक्त ऐसी है जिसकी वजह से रूस को इन इन्वेस्टमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है।
आपको बता दें, वैसे तो चीन के ज्यादा करीब है रूस, लेकिन यह बात सच्ची है कि चीन जितना बिजनेस नहीं देता है, उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस भारत देता है। भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदारक है। अभी हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए की डील S-400 के लिए हुई है, जिसकी अभी रूस को बेहद जरूरत है। और कारण यह है कि पिछले 20 साल में सबसे बुरी स्थिति की अर्थव्यवस्था में अभी रूस गुजर रहा है। और सिर्फ रूस की ही बात नहीं है, तुर्की ले ले या अरब के कोई भी देश ले ले, किसी ने भी, यहाँ तक कि अफ्रीका जहाँ अरबों डॉलर लुटाए हैं चीन ने, वह भी चीन के साथ नहीं आया, या चीन के साथ में उसकी मीडिया ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ में पूरा यूरोप खड़ा हो गया, यहाँ तक कि ताइवान और हांगकांग भी खड़ा हो गया। दुनिया भर की अखबारें चीन को बहुत ही बुरी बातें लिख रही हैं, और दुनिया भर की अखबारें भारत को विक्टिम की तरह शो कर रही हैं, जो कि बहुत सही है। अब ऐसा हो जाएगा कि दुनिया सबसे ज्यादा घृणा करने लगेगी चीन के साथ।